Hello everyone, Betaji. As you are familiar, we were discussing the chapter What is Democracy? Why Democracy? From 9th Standard Political Science. And we have discussed the features of democracy. And on page 31, you will see this exercise. Okay, so you have to match the example with the features. This will very much after doing this, after completing this exercise, you have to check yourself whether you have understood the features of democracy very well or not. Okay, so that's why I am not providing you ready-made material or doing this exercise myself. It you have to do yourself to check your, you can see, understanding level. You have understood each and every feature, and this exercise is totally on the features of each and everything. So next we are going to discuss the why democracy. We have discussed the democracy, definition of democracy and features of democracy, and today we will discuss why we prefer democracy. Okay, what's the basic reason? Democracy is better form of government, how can we say? So we are going to discuss about this now. An argument broke out in Madam Ling Do class. Right from the beginning, हम लोगों ने discuss किया कि class में discussion हो रही है teacher और बच्चे के बीच में, तो teacher के साथ एक argument हो गया है. She finished teaching the previous section on what is democracy, क्योंकि पिछला section उन्होंने खत्म किया what is democracy, democracy की definition के साथ, and asked student if they thought democracy was the best form of government, और उन्होंने बच्चों से पूछा कि ये democracy best form of a government. Everyone had something to say, हर एक के पास कुछ ना कुछ कहने को था. Okay, कि ये जो है डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है. अब डिबेटिंग मैरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिबेट हो रहा है, बहस हो रही है. मैरिट्स मींस किसी की अच्छाइयाँ, ठीक है, गुड पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अब ये हो रही है डिबेट, मैरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, यूनाल्डा, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, और दुनिया में हर लोग जो हैं, हर तरह के लोग जो हैं, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं. ओके, वांट डेमोक्रेसी. कंट्रीज जो हैं दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर, जो पहले डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे, बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहे हैं. ऑल ग्रेट पीपल, सारे महान लोग जितने भी हुए हैं, हैव सेड नाइस थिंग, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें उन्होंने कही हैं अबाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने या बहुत अच्छा कहा है डेमोक्रेसी के बारे में महान लोगों ने, ग्रेट पीपल्स ने. इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ट, क्या ये उन सब की बातें सुन के या थॉट सुन के क्या ये हम लोग ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि हम लोग डेमोक्रेसी को एक बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट कंसिडर कर लें. डू वी नीड टू डिबेट दिस, क्या अब इसके ऊपर भी डिबेट होना चाहिए, तर्क वितर्क. डिबेट मींस कोई इसके फेवर में कोई अगेंस्ट डिबेट करे, क्या होना चाहिए. सो टैंकनी, ये जो है, बट लिंग दो मैम हैड सेड वी शुडंट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस. लिंग दो मैम ने कहा था हमें किसी भी चीज़ को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो बहुत फेमस है. ओके, जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स एक्सेप्टेड, क्योंकि बाकी सारे उसको स्वीकार कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वो फेमस है, इस वजह से उसको हमें नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए. इजंट इट पॉसिबल, क्या यह संभव नहीं है कि एवरी वन इज़ फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि सारे चल ही जा रहे हो और हम लोग भी गलत रास्ते पे चल लें? ऐसा तो नहीं है। इसलिए जो फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हम चुपचाप ये एक्सेप्ट ना करें। लिंग दो मैम ने कहा है, जेनी, यस, इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ। वट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट इन आवर कंट्री? डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में क्या लेकर आई है? ये गलत रास्ता है। बच्चा देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एवरी वन इज एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, दैट्स गुड। 7 decades, 70 साल हो चुके हैं, ओके, 7 decades, डेकेट्स मीन्स 10 ईयर, 7 decades मीन्स 70 ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री। 70 ईयर्स हो चुके हैं, अब तो उससे भी ज़्यादा है, तो हमारे कंट्री में अभी भी पॉवर्टी है, गरीबी है। रिमांग, बट वट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट इट डू विद इट? ओके, सो डेमोक्रेसी ने क्या किया है? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी हैव? इसमें डेमोक्रेसी ने क्या किया हमारे कंट्री में? इसलिए पावर्टी है क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डू वी हैव पावर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी होने के बावजूद ये गरीबी है। सो इसी वजह से है कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद गरीबी दूर नहीं हुई है। सेड जेनी, वट एवर, हाउ डज इट मेक डिफरेंस? जो भी कारण हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है? द पॉइंट इज़ दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, सबसे बढ़िया नहीं है। मीन्स वो बच्चा कहना चाहता है, अगर बेस्ट फॉर्म होती तो सबकी प्रॉब्लम्स दूर होती। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द क्योस एंड इंस्टेबिलिटी, करप्शन, हिपोक्रेसी, पॉलिटिशियन फाइटिंग अबाउट देम सेल्फ, हु केयर्स फॉर द कंट्री। वेरी गुड, जो बच्चा देख रहा है आज वही एक्सप्रेस कर रहा है कि डेमोक्रेसी जो है अराजकता, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता, करप्शन, भ्रष्टाचार, हिपोक्रेसी, जिसको हम लोग कहते हैं दिखावा, झूठा, नकलीपन, कि आपकी सेवा करेंगे पॉलिटिशियन, लीडर अंदर से लूटते, पॉलिटिशियन फाइट अमंग देम सेल्फ, अपने आप ही लड़ते हैं पॉलिटिशियन कुर्सी के लिए, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं जैसे। हु केयर्स फॉर द कंट्री? कंट्री के केयर ही कौन कर रहा है, ध्यान ही कौन रख रहा है, या कंट्री के बारे में सोच ही कौन रहा है? पॉयमन, हु, सो वट शुड वी हैव इंस्टेड? इसके अलावा, इसकी बजाय क्या होना चाहिए? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, वापस ब्रिटिश रूल में जाना है। इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, या कोई किंग्स, हमारे पहले किंग्स का ही रूल था, उसके बाद ही ब्रिटिशर्स ने देखा कि किंग्स लड़ी जा रहे हैं और आके रूल किया, तो कह रहे हैं कि या तो ब्रिटिशर्स ब्रिटिश रूल में वापस चले जाएँ या किंग्स दोबारा इस रूल में आ जाए। देन है रोज़, रोज, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या जानती। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स, स्ट्रॉन्ग लीडर, हमारे कंट्री को क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, समवन हु डजंट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शन। कोई ऐसा हो जिसको इलेक्शन और पार्लियामेंट की ज़्यादा परवाह ना हो, कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ, पार्लियामेंट पे मेरी मेजोरिटी हो, ये ना हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर, एक लीडर ऐसा हो जिसके पास सारी की सारी पावर हो। ओके, ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन आवर कंट्रीज इंटरेस्ट। वो वही कुछ करे, स्ट्रॉन्ग लीडर, जो हमारे कंट्री की इंटरेस्ट यानी कि भले के लिए है, जो हमारे कंट्री के लिए अच्छा, वो सब कुछ करें, ये ना करें अपने इलेक्शंस के लिए और अपनी पार्लियामेंट की मेजोरिटी के लिए, यानी कि मैं जीत जाऊं इलेक्शन, इसी चक्कर में अपने क्या करते हैं, कंट्री का भी नुकसान कर देते हैं, लोगों को मिसलीड करके। दैट्स वाई
ये स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है, रोज़ ये कहना चाह रही है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर हो उसको इलेक्शन की चिंता ना हो, परवाह ना हो, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी प्रूव करने की परवाह ना हो, बस वो एक ही चीज़ की परवाह करे, कंट्रीज इंटरेस्ट, और उसके पास पावर हो कि कंट्री के इंटरेस्ट के लिए बेस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, दैट कैन ओनली रिमूव द करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। और वही ये चीज़ जो है हमारे कंट्री से गरीबी और करप्शन भ्रष्टाचार दूर कर सकती है। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, दैट्स कॉल्ड डिक्टेटरशिप, उसको तो तानाशाह कहते हैं। होए, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, क्या होगा अगर वो पर्सन सारी की सारी पावर अपने लिए और अपनी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दे। व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, क्या पता वो अपने आप में ही बहुत बड़ा करप्ट हो जाए सबसे ज़्यादा। आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज ने रिप्लाई किया कि मैं जो है स्ट्रॉन्ग पर्सन की बात कर रही हूँ, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑनेस्ट सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, ऐसे पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। होई बट दैट इज नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डेमोक्रेसी, पर वो ठीक नहीं है कि आप जो है डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप के, एक थोड़ी अच्छी सी तानाशाही के साथ कंपेयर कर रहे हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, एक बहुत बढ़िया सिस्टम को बहुत बढ़िया सिस्टम के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। वो कहने द रियल विद द रियल, जो रियल है जो सच में सही है उसको सही के साथ ही कंपेयर करें। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, डिक्टेटर्स मतलब तानाशाह के रिकॉर्ड चेक करो रियल लाइफ में, दे ऑल मोस्ट करप्ट सेल्फिश ब्रूटल, वो सारे के सारे हिस्ट्री खोल के देखो, वो कह रहा है कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी स्वार्थी और निर्दयी तानाशाह थे हिस्ट्री में जितने भी तानाशाह है। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, ये बस इतना है हम उनके बारे में जानना नहीं चाहते या जानते नहीं। एंड व्हाट्स वर्स, यू कांट इवन गेट रिड ऑफ देम, और इससे भी बुरी बात क्या है कि हम उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते। द नेक्स्ट इज मैम लिंग दो वॉज लिसनिंग, टीचर जो है बड़े आराम से ध्यान से बच्चों की कन्वर्सेशन को डिस्कशन को इंटरेस्ट के साथ बड़ी रुचि के साथ सुन रही है। नाउ शी स्टेप्ड इन, बाहर खड़ी दरवाजे के पास सब कुछ मैम लिंग दो सुन रही थी बड़ी रुचि के साथ बड़े ध्यान से, अब वो क्लास के अंदर आई है। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश है, एक टीचर बहुत खुश होता है कि जो सब्जेक्ट या चैप्टर उसको टीच कर रहे हैं बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट तभी होता है जब हम आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर आल्सो, तो वो सब्जेक्ट भी अच्छे से मेमोराइज हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आता है। सो दैट्स वाई द टीचर इज़ वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली, आप एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी बहस कर रहे हो। आई डोंट नो हु इज राइट, मैं नहीं जानती कौन सही है कौन गलत है, दैट्स फॉर यू टू सेटल, आप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए प्रॉपरली बैठ कर। बट आई डिड फील, मैं ये महसूस करती थी दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड, यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन try to stop you or someone punish you for saying what you felt, टीचर ने कहा है कि आप में से कौन गलत है कौन ठीक है मैं नहीं कहती, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको कोई रोक देता या आपको कोई बोलने नहीं देता या आपको पनिश करता बोलने के लिए,
तो आप लोग उसका ज़रूर बुरा मानते। वुड यू बी एबल टू डू दैट इज इन अ कंट्री दैट इज़ द डेमोक्रेटिक? अगर ऐसे ही कंट्री में हो कि किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, किसी को कोई बहस करने की, तर्क वितर्क पेश करने की इजाज़त नहीं है, और वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी? क्या ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने की क्या है पूरा एक उसको निष्पक्ष अपना अपना व्यू पॉइंट रखने की इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब हम लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ एक कन्वर्सेशन के पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करें, जो स्टूडेंट्स क्लास में बोले हैं या जो टीचर रख रही है। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बहुत से आर्ग्यूमेंट है वी रूटीनली हियर, और हम लोग भी देखते हैं कि ये हमें भी सुनने को मिलते हैं अपने कंट्री में, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। लेट्स गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स, आइए वो कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स को चेक करें और ध्यान से स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल है लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स जो हैं डेमोक्रेसी में चेंज होते रहते, सेम नहीं रहते। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, ये एक अस्थिरता यानी कि ले आती। कहने का मतलब है कि लीडर जो एक काम को अच्छी तरह से समझता है कि कंट्री में ये प्रॉब्लम है, ऐसे इसको दूर करना है, तो कई बार ऐसे होता है कि वो पावर में नहीं आता, या उसकी गवर्नमेंट जब पूरी तरह मेजॉरिटी में नहीं है तो वो पहले ही 5 साल से पहले ही चला जाता है, या 5 साल के बाद और बेटर वे से काम करना चाहता है तो नहीं आता। ये इंस्टेबिलिटी डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक पुअर पॉइंट है, या बैक पॉइंट बैक फ्रंट पे ले जाती है, एक स्टेप डाउन जाती है डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके अगेंस्ट जाता है ये पॉइंट। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। दूसरा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ये भी पॉइंट है कि डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, एक पॉलिटिकल राजनीतिक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, और इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में, पॉलिटिकल कंपटीशन में हर लीडर ये चाहता है कि उसको ही पावर मिले, पावर प्ले, एक शक्ति एक ताकत हासिल करने का ये गेम है और कुछ नहीं। देयर इज नो स्कोप फॉर द मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी के लिए कोई भी, हाँ जी बेटा, सो यहाँ पे मॉर्टेलिटी का कोई स्कोप ही नहीं रहता, नैतिकता जिसको हम लोग कहते हैं रहती ही नहीं। हर कोई ये चाहता है कि मुझे पावर मिल जाए और गद्दी मेरे हाथ में हो जाए, मैं ये कंपटीशन जीत जाऊँ, ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक बैक पॉइंट ये भी है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत से लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, सलाह मशवरा बहसबाजी, अकेला कोई नहीं फैसला ले सकता, तानाशाही। इट लीड्स टू डिले, और इसी तरह से डिसीजन लेने में देरी हो जाती है, और काम करने में फिर अपने आप ही देरी हो जाती है, ये भी सेकंड पॉइंट हो गया। चेक करिए जो हम कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट हमने किया है इंस्टेबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया इंस्टेबिलिटी, सेकेंड हमने कर लिया नो स्कोप ऑफ मोर्टेलिटी, मोरेलिटी, सॉरी मोरेलिटी, नो स्कोप ऑफ मोरेलिटी, फर्स्ट है इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इंस्टेबल गवर्नमेंट, देन सेकेंड है इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देर इज नो स्कोप ऑफ मोरेलिटी, थर्ड हमने किया है डेमोक्रेसी लीड टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, दैट इज इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कई बार जो हैं जो इलेक्ट होके आ गए उनको ही नहीं लोगों के इंटरेस्ट, जब तक पावर नहीं है, जब तक जीते नहीं हैं लोगों के पास जाओ, बाद में पूछो ही ना उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या हित है, और इस तरह से क्या वो कर देते हैं बैड डिसीजन, गलत बुरे फैसले कर देते हैं अपनी ताकत में चूर होकर, ठीक है, अपने नशे में चूर होकर कई बार वो ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी जो है लीड्स टू
करप्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन, भ्रष्टाचार को जन्म देती है, क्योंकि इलेक्शन कंपटीशन है, इलेक्टोरल कंपटीशन है, हर कोई चाहता है कि वो कंपटीशन वो जीत जाए, और इसके लिए वो मनी, मसल पावर, आपको पता है गुंडागर्दी और पैसा पाने की तरह बहाया जाता है सिर्फ जीतने के चक्कर में। सो इस चक्कर में, जीतने के चक्कर को लेकर क्या हो जाती है, करप्शन स्प्रेड हो जाती है। सो इलेक्शन जीतने के चक्कर में क्या होता है, करप्शन स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि हर कोई इलेक्शन जीतना चाहता है और उसके चक्कर में। ओके, ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग भी क्या है, डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुडंट डिसाइड एनीथिंग। कई बार हमारे इंडिया जैसे पीपल में कितने इग्नोरेंट है, इलिटरेट है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते आम लोग कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जब डिसाइड नहीं कर पाते तो कई बार पैसे के लालच में या लीडर्स के झांसे में आकर, फेक प्रॉमिसेस में आकर वोट कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, आर देयर समथिंग अदर आर्ग्यूमेंट, सम अदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ और भी आर्ग्यूमेंट है, दैट यू कैन थिंक ऑफ, कुछ और भी आर्ग्यूमेंट जो आप सोचते हो, जिनके बारे में आपको पता है या आप सोचते हो, विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट अप्लाइज मेनली डेमोक्रेसी, या जितने भी आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखे गए हैं कौन कौन से डेमोक्रेसी के ऊपर पूरे सही ठहरते हैं, विच ऑफ ये जो है, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, और इनमें से कितने आर्ग्यूमेंट के साथ आप लोग एग्री करते हो टोटली कि बिल्कुल सही कहा गया है, ये डेमोक्रेसी में ऐसी प्रॉब्लम होती है। डेमोक्रेसी जो है इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो घुमाओ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई या कोई जादुई सॉल्यूशन उसके पास तो है नहीं कि जब भी यूज़ करोगे वो जादू सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इट हैज़ नॉट एंडेड द पॉवर्टी, हमारे कंट्री में पॉवर्टी दूर नहीं कर पाई, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और दूसरे दुनिया के भी बहुत से पार्ट हैं जहाँ पे क्या है, गरीबी दूर नहीं हुई। डेमोक्रेसी हैज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट, डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको पक्का यकीन, इंश्योर मतलब विश्वास दिलाती है कि पीपल टेक देयर ऑन डिसीजन, कि लोग इसमें अपने डिसीजन खुद लेंगे। दिस डजंट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, पर यह गारंटी नहीं है इस बात की कि उनके डिसीजन सही होंगे। कई बार हम आम जिंदगी में भी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग जो हैं गलतियां करते हैं। ओके, इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग, और इतने लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वाभाविक सी बात है कि डिले होगा, देरी होगी। इट ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंजेस, ये भी है लगातार डेमोक्रेसी में लीडरशिप चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कई बार इससे क्या होता है कि बहुत से बढ़िया बढ़िया डिसीजन लेने में भी, सो डेमोक्रेसी में ओके डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, देरी होती है, दिस इज़ ऑब्वियस क्योंकि इतने लोगों को कंसल्ट करना है, ट्रू। और फ्रीक्वेंट चेंज में बहुत जल्दी जल्दी कई बार लीडर भी चेंज हो जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन जल्दी जो लेने होते हैं क्विक, उसमें लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, और कई बार तो सेटबैक, धक्का भी लगता है बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने, और कई बार गवर्नमेंट की एफिशिएंसी मींस योग्यता पर भी हमें शक होता है कि ये गवर्नमेंट टाइमली काम नहीं करती, सही से काम नहीं करती, इस टाइम पर डिसीजन लेना था, लेने में इतना देरी,
सो ये हमारे मन में कई बार क्वेश्चन पुट होते हैं. दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी सी मैनी नॉट टू बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये बुराइयाँ देखकर, ये डीमेरिट्स देखकर कई बार कोई सोच सकता है कि डेमोक्रेसी आइडियल अच्छी वाली गवर्नमेंट नहीं है. बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन. पर ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता. हम रियल लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ, देरी. रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, बट रियल क्वेश्चन अलग है. डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने डेमोक्रेसी खाली नहीं देखनी है कि आइडियल, हमने कंपेयर करना है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट है उनसे बहुत बेटर, बेटर मीन्स उनसे अच्छा है. दो के बीच में कंपैरिजन हुआ है. आपको पता है गुड, ओके, एडजेक्टिव बेटर, दो के बीच में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में हो रहा है. सबके बीच में एक बेस्ट है, ठीक है, एक बढ़िया, तो वो बेस्ट लगता है. डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, बेटर है डिक्टेटरशिप से. और ओके, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी बेटर है, ये हम लोग कह रहे हैं. तो हम डिक्टेटरशिप चुनना चाहते हैं या डेमोक्रेसी, हमारा क्वेश्चन ये है. अब है आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी. आर्ग्यूमेंट हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट तो कर लिए, अब हम फेवर में करने जा रहे हैं. ओके, चाइना में फेमाइन हुआ, चाइनीज फेमाइन, अकाल पड़ गया. कब? 1958 टू 1961 was the worst recorded. Worst means सबसे बुरा. फेमाइन अकाल था ये दुनिया में, दुनिया में सबसे बुरा ये अकाल था. ओके, इन हिस्ट्री, इतिहास, दुनिया के इतिहास में सबसे बुरा. 3 crore people died. Can you imagine 3 crore? 3 crore लोग मर गए. अभी भी COVID-19 चाइना से फैला है, आपको पता है. तो यहाँ पे बार बार न्यूज़ पे आ रहा है कि वहाँ पे लाखों लोग, करोड़ों लोग, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 90 crore पीपल की डेथ हो गई है. और न्यूज़ में ही नहीं आया कुछ भी. सो ये पहले भी 1958-61 में है कि फमाइन पड़ा, अकाल पड़ा, 3 crore पीपल डाइड. और ड्यूरिंग दोज डे, उसी टाइम पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना. चाइना से हमारी कंडीशन बेटर नहीं थी. येट इंडिया डिडंट हैव अ फेमाइन ऑफ काइंड चाइना. इंडिया में इतना बुरा फेमाइन, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सोचते हैं, थिंक. ये कार्टून भी शो किया गया है किस तरह से डिक्टेटरशिप अंदर से, बाहर से तो शो करता है बड़ा अच्छा, और अंदर से किस तरह से कंकाल, स्केलेटन दिखाया जा रहा है कि मार रहा है. ये जो है साइड का हम लोग पढ़ लें क्या है कार्टून. दिस कार्टून इज अ फॉर्म ब्राज़ील. ब्राज़ील कंट्री है, कंट्री दैट हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस और डिक्टेटरशिप. इस कंट्री में बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है उनको डिक्टेटरशिप का. It is entitled the hidden side of dictatorship. Dictatorship की छुपी हुई, जो हमसे छुपी रहती है साइड, जो हमें दिखाती नहीं कभी भी dictatorship अपनी black side, काला, जिसको सच कहते हैं वो है. And which hidden side does this cartoon depict? इस कार्टून में ये दर्शाया गया है. Necessary for every dictator to have a हिडन साइड. और ये हर डिक्टेटरशिप में हिडन साइड होती है. पॉसिबल फाइंड दिस आउट अबाउट द डिक्टेटर इंक्लूडिंग पेनोशे इन चिली. ये अलग अलग डिक्टेटर हैं जो रहे हैं उनके बारे में है, चाहे नाइजीरिया में हो, फिलिपिन में हो, पोलैंड में हो, अरेबियन कंट्री में हो, या हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में क्यों ना हो. हर एक की हिडन साइड है. अभी हमारे नेबरिंग कंट्री में ही क्या हो रहा है, कभी कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी. अगर कोई रिपोर्ट जो है, जर्नलिस्ट जो है कुछ भी प्रिंट कर,
This was the result of different government policies in the two countries. ये दो countries की story जो हमने फेमाइन की discuss की है, India और China की. China में क्या है, अकाल पड़ा, फेमाइन पड़ा, तो वहाँ की government ने कोई केयर नहीं की. 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए हैं. और इंडिया ने जबकि बहुत ज़्यादा इमीडिएटली रिस्पांस दिया है, और वो हम लोग करने जा रहे हैं. रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज इन द टू, द एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्केयरसिटी इन द वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिडंट. इंडिया में फेमाइन पड़ा तो इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली जो खाने की कमी आ रही है उसकी तरफ ध्यान दिया और स्टेप उठाए हैं, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी, फूड सप्लाई की है इमीडिएटली इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिडंट. चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया. दे पॉइंट आउट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक चाइना. और उन्होंने ओपनली न्यूज़ में क्या बोला कि ऐसा कुछ अकाल ही नहीं पड़ा जी हमारे चाइना में, जब से चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट. जब भी अभी भी आई हैव टोल्ड यू कि COVID-19 का केस आया है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कुछ ऐसा नहीं वुहान में कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे लाख. सो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा फरमाइन ही नहीं पड़ा जब से इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक जब से हुआ है. इफ़ चाइना, अब सपोज करो दूसरी कंडीशन की चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता और वहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, ऑपोजिशन पार्टी होती, प्रेस फ्री होती, मीडिया यानी कि बिल्कुल फ्री रिपोर्ट देता होता, क्रिटिसाइज़ करता गवर्नमेंट को, देन सो ऑन, पीपल मे नॉट डाइड. तो हो सकता है कि इतने ज़्यादा लोग ना फेमाइन में मरते. ओके, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने क्रिटिसिज्म का डर होता, अगले इलेक्शन हार जाएंगे, मीडिया में बुराई आ जानी, पूरी दुनिया में छा जाना इतना बुरा हुआ, तो इस डर से काम करते. बट वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कोई खबर बाहर आती नहीं, सो इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई परवाह नहीं की, मरते हैं तो मर जाए. दिस एग्ज़ाम्पल ब्रिंग्स, ये एग्ज़ाम्पल हमारे सामने क्या लेके आता है कि वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी को हम सबसे बढ़िया गवर्नमेंट क्यों मानते हैं. डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो है दूसरी किसी भी तरह की सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्डिंग द नीड ऑफ द पीपल. क्योंकि जैसे लोगों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करती है, रिस्पॉन्स देती है. अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरी तरफ क्या है, मेन एंड कॉल रिस्पॉन्स टू द पीपल्स नीड. कई बार वो ना करे उनके रिस्पॉन्स, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं करती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही कॉमन पीपल की भलाई और कॉमन पीपल की ज़रूरतों की और विशेष का पूरा ध्यान देती है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेष ऑफ द पीपल हु रूल. पर ये लोगों की मर्जी है वो किस तरह के अपने रूलर चाहते हैं, शासक चाहते हैं, और कौन उन पर रूल करे, किसको वो अपना लीडर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है. डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, अब डेमोक्रेसी क्या चाहती है, दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी की यही है कि वो लीडर हों जो लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली, लोग उन्हीं को चुनते हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ध्यान देते हैं लीडर. सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमें मिल गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल गवर्नमेंट. उनको अपनी एक एक बात का आंसर देना होता है, पूरा बताना होता है ये हुआ तो क्यों हुआ.
हिसाब किताब जिसको हम लोग कहते हैं रखना होता है। ऐसे नहीं कि कोई जवाबदेही नहीं, पूरी जवाबदेही उनकी बनती है। ये एक बेस्ट थिंग है डेमोक्रेसी के फेवर में। देयर इज अनदर रीज़न, एक और कारण है, क्या है, व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्यों कहा जाता है कि बहुत बढ़िया डिसीजन लिए जाते हैं अच्छे, देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बजाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, डेमोक्रेसी में सलाह मशवरा, डिस्कशन, बहस सब होता है। ओके, एक सलाह करके बहस पूरे एक डिसीजन लेने से पहले की जाती है। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व पर्संस, डिस्कशंस, मीटिंग्स, बार बार मीटिंग होती है, डिस्कशन होती है, लोगों से मिलना होता है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। When a number of people put heads together, जब सारे के सारे लोग इकट्ठे आते हैं, बहस करते हैं और पॉसिबिलिटी जो है क्या होती है, they are able to point out possible mistakes, जो गलतियां होने की संभावना होती है वो पॉइंट आउट, इस फैसले में जो जो कल को गलतियां हो सकती हैं वो बताते हैं। दिस टेक टाइम, और जब बहसबाजी, इतने लोगों से कंसल्टेशन करना, ऑब्वियसली एक दो या चार पांच ने तो डिसीजन लेना नहीं, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल से कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशन डिबेट होता है, तो ऑब्वियसली इट टेक टाइम, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है डिसीजन लेने में। सो ये जो है बिग एडवांटेज है इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे, द रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। जब इतने लोगों से सलाह मशवरा किया जाता है तो ऑब्वियस है कि जो गलत डिसीजन है वो नहीं लिए जाएंगे, बहुत कम, रिड्यूस कर देते, बहुत कम चांस कि जल्दी से कोई डिसीजन नहीं, और इररिस्पॉन्सिबल, बिना कोई सोचे विचारे कोई फैसला नहीं लिया गया। सो डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इस तरह से डेमोक्रेसी में जो है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है। अब हम साइड का देख लेते हैं, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ इंडिया वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, कुड वी स्टे टुगेदर अ सिंगल नेशन। आप क्या सोचते हो, अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री ना होता तो हम लोग इकट्ठे रहते, एक यूनाइटेड कंट्री होते, आपके क्या व्यूज़ हैं? ओके, देन नेक्स्ट है, दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब हमें थर्ड आर्ग्यूमेंट मिल गया है डेमोक्रेसी का, मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग तरह के डिफरेंसेस जो हैं, अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ओके, बहसबाजी, मन मुटाव, अलग अलग तरह की जो असमानताएँ हैं उनके साथ डील करती है डेमोक्रेसी। इन एनी सोसाइटी बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। हर सोसाइटी में अलग अलग तरह की, हर एक के रुचियां होती हैं, हर एक के विचार होते हैं। सोसाइटी छोड़ो, अपनी फैमिली में ही देख लो, हर मेंबर के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। तो इतने बड़े कंट्री में ऑब्वियस सी बात है ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे। These differences are particularly sharp in a country like ours. हमारे कंट्री में तो खास करके बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इतने ज़्यादा different regions, different languages बोलते हैं, religions है, different different types के, caste है, so obviously अलग अलग तरह की हर एक की preferences होंगी। okay, हर कोई अलग अलग चीज़ों को preference देता होगा, और यहाँ पे ग्रुप्स में कई बार क्लैशेस भी हो जाते हैं, एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ क्लैशेस भी हो जाते हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट, अब जैसे मन मुटाव, लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं तो इनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, सुलझाया कैसे जाता है? ये जो है, द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय अ ब्रूटल पावर, एक ब्रूटल पावर आए तो उससे भी तानाशाह जिसको कहते हैं रिजॉल्व, कोई बोल ही नहीं पाता, फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट है? जो एक ऑर्डर आ गया बस सबने ओबे करना है,
विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हाँ जी बेटा, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है सलाह मशवरा करके एक दूसरे के साथ रिजॉल्व किए जाते हैं, बट डिक्टेटरशिप देख लो, जहाँ पे ज़बरदस्ती पावरफुल डिक्टेटर जो है डिक्टेट करता है, ज़बरदस्ती थोप देता है जो किसी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे रिजेंटमेंट, नाराज़गी, गुस्सा और हर कोई नाखुश रहता है। और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को भी साथ नहीं लेके आता, ओके, मिसलीड करते हैं। सो इस तरह से क्या है, डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक डेमोक्रेसी है जो पीसफुल सल्यूशन जो है वो हर प्रॉब्लम का दिखाती है, सलाह मशवरे के साथ करो। नो वन इज़ परमानेंट विनर, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। 5 साल के बाद कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, परमानेंट ना कोई लूज़र है, कल को वो भी पावर में आ सकता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है इस तरह से इकट्ठे पीसफुली रहते हैं। डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। डेमोक्रेसी जो है वो हमारे कंट्री में अलग अलग तरह के कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन्स को इकट्ठा इसीलिए रख पाई है क्योंकि डेमोक्रेसी है। इफ़ेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के प्रभाव क्या है, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट और सोशल लाइफ हमें मिली है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट द डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट वट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीज़न। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन यही है कि ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में क्या किया है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट strongest argument for the democracy is not about the democracy does to the government, एक democratic government के रूप में क्या किया है, बट ये है कि democracy ने common people के, सरकारों के साथ साथ क्या किया है। सरकारों के साथ नहीं सोचना हमने democracy ने क्या किया है, common citizen नागरिकों के साथ क्या किया है। Even democracy does not bring about better decisions. Accountable government. Democracy में भी कई बार होता है कि बढ़िया से फैसले नहीं हो पाते, कई बार government भी सही नहीं, accountable, उत्तरदायी, answerable होती है। Still, तब भी democracy जो है वो दूसरी form of government से better है। कैसे? Democracy enhances the dignity of the सिटीज़न। डेमोक्रेसी में ही आम लोगों की सम्मान की रक्षा की जाती है, बढ़ाती है, ओके। अभी आपने चाइना में देखा ही होगा कि किस तरह से जैकमा, एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के सामने, हेड के सामने क्या यही कह दिया कि बैंकिंग सिस्टम में या कंट्री में कुछ रिफॉर्म चाहिए, सिर्फ इतना सा कहने पर उनका क्या किया, कोई डिग्निटी, कोई सम्मान तो छोड़ो, अंडरग्राउंड। ये डिक्टेटरशिप की निशानी है, जबकि डेमोक्रेसी में जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी रिकॉग्नाइज किया जाता है, और तो और लोगों की डिग्निटी को भी इन्हांस करती है, सम्मान किया जाता है उनके विचारों का, ओके, पूरी तरह से उनको सम्मान दिया जाता है, चाहे वो पुअरेस्ट, सबसे गरीब और लीस्ट एजुकेटेड हैज सेम स्टेटस, सबको सेम स्टेटस है, चाहे कोई रिच एजुकेटेड हो चाहे कोई अनपढ़। वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन, हमने किया ना, एक एक की इम्पॉर्टेंस है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ द रूलर, जो भी शासक आया है रूल कर रहा है वो उसकी प्रजा नहीं है, जैसे मर्जी उस पर रूल करे, अपनी मर्जी चलाएगा, नॉट एट ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, ओके। इवन दे मेक मिस्टेक, उनसे गलतियाँ भी हो सकती है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, कल को जो भी करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। 5 साल के बाद गवर्नमेंट, कॉमन पीपल उनका हरा देंगे। सो फाइनली डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू यूज करेक्ट इट्स मिस्टेक। सो
डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वो अपनी ही गलतियों को सुधारने का पूरा पूरा मौका देती है, ओके, पूरा अवसर प्रदान. इस बार गलती हुई है, इलेक्शन हारे हो, तो अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए. देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट मेड इन द, यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो ये नहीं कोई कह सकता कि डेमोक्रेसी है तो कोई गलती नहीं होगी. भी इंसान है, गलती हो सकती है. नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट. कोई भी गवर्नमेंट जो है, चाहे डिक्टेटरशिप है, ये बात अलग है, डिक्टेटरशिप में बात बाहर नहीं आती, अंदर ही गलतियां छुप जाती. डेमोक्रेसी में तो खुलेआम सब कुछ एक एक सामने है, बट किसी भी गवर्नमेंट की गारंटी नहीं कि वो गलती नहीं करेगी. डेमोक्रेसी की एडवांटेज यही है कि सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन और फॉर लॉन्ग. ये गलतियाँ छिप के नहीं रह सकती, सामने आती है, सब बहस करते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट को खींचते हैं. क्यों? पब्लिक डिस्कशन होती है मिस्टेक पर, और रूम फॉर करेक्शन, एक रास्ता होता है, एक रूम होता है करेक्शन का, मिस्टेक को सही करने का. ये कार्टून बड़े अच्छे दिए हुए हैं. वी वाटर आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर. हम लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, आपको वोट दिया और आपके साथ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे. देन नेक्स्ट है, दे स्टोल आवर मनी, इन्होंने हमारा पैसा, ये अलग अलग ओपिनियन है, ओके. सो ये बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे बिल्कुल नीचे एक बातचीत है, कन्वर्सेशन है, ये भी आप पढ़िएगा ज़रूर, ओके. डेमोक्रेटिक और देन मूविंग टू द नेक्स्ट, जो रूलर है वो डिसीजंस जो है वो क्या है, रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन और रूलर कैन बी चेंज्ड. दिस हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हैव टू चेंज देयर डिसीजन और रूलर कैन बी चेंज्ड. दिस कैन नॉट हैपन. डेमोक्रेसी में डिसीजन भी बदले जाते हैं जब गलत हो जाए, और रूलर भी बदल जाते हैं, यानी कि 5 साल बाद हार जाते हैं, उन्होंने सही फैसले नहीं किए. बट डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो डिक्टेटर बन गया वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ओके, वो ही चलेगा जिंदगी भर. सो डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एनीथिंग एंड इज नॉट सोल्यूशन. डेमोक्रेसी जो है सब कुछ नहीं आपको दे सकती, ना ही हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपकी दे देगी, ओके, सोल्यूशन दे देगी. बट इट इज़ क्लियरली बेटर, पर ये साफ दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट, दूसरे जितने भी अल्टरनेट उनसे अच्छी है ये गवर्नमेंट. हर कोई यही ऑप्शन को चूज़ करेगा, बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, इसमें अच्छे डिसीजन लेने का भी चांस है. रिस्पेक्ट पीपल्स ऑन विशेज, अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टुगेदर, ये लोगों के डिसीजन को भी रिस्पेक्ट देती है, डिग्निटी, और सब लोग इकट्ठे मिलके रहें, ये भी पूरा का पूरा अवसर प्रदान करती है. इवन व्हेन इट फेल, जब ये फेल हो जाती है किसी भी, अलाउस अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक, तो ये अपने आप ही अपनी मिस्टेक को भी सुधारती है और करेक्ट करती है. और डिग्निटी, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन पीपल का सम्मान है डेमोक्रेसी में. दैट्स वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर की जाती है.